नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, किसान संगठनों के प्रस्ताव का इंतजार कर रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। गौरतलब है कि किसान यूनियनों ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज कर दिया है और उन्होंने सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल भी की। तोमर ने कहा कि बैठक निश्चित रूप से होगी, हम किसानों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वे अगली बैठक के लिए कब तैयार हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की 40 यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत की अगुवाई तोमर कर रहे हैं। इसमें उनके साथ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हैं। केंद्र और किसान नेताओं के बीच अब तक हुई 5 दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही हैं। सरकार ने किसान संघों को एक मसौदा प्रस्ताव उनके विचारार्थ भेजा है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को जारी रखने का लिखित आश्वासन भी है, लेकिन किसान यूनियनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कानून को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में फैल रहा नया संक्रमण, मरीजों की आंख नाक और जबड़े हो रहे खत्म। जी हां, आपको बताते कि राजधानी दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को अब एक खतरनाक फंगल संक्रमण फैलने के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 15 दिनों में कोरोना से ठीक हुए 13 मरीजों में म्यूकर माइकोसिस संक्रमण होने के मामले सामने आए हैं। इन मरीजों में से 5 की मौत हो गई है और यह संक्रमण आंख नाक और जबड़े को धीरे धीरे चीर कर गला देता है। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ ENT सर्जन डॉक्टर मनीष मुंजल का कहना है कि ये एक फंगल संक्रमण है जो कोरोना से ठीक हुए लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से फैल रहा है। डॉक्टर मनीष मुंजल का कहना है कि अभी डॉक्टरों को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी नहीं है। सामान्य डॉक्टर इसे न्यूरो की बीमारी बताकर रेफर कर रहे हैं। उनके पास ऐसे कई मरीज आए हैं जो न्यूरो में रेफर किए गए थे। चोरों के आगे टेक्नोलॉजी फेल, पुलिस की नसीहत, नोट बचाने हैं तो ATM बदल दो। जी हाँ, आपको बता दें कि केनरा बैंक के डी बोल्ट कंपनी के ही ATM को खोलकर नकदी चोरी करने वाले मेवाती गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने सूरत में गिरफ्तार कर लिया। गिरोह ATM से 20 लाख रुपए निकाल चुका था। चौंकाने वाली बात यह है कि सरगना बिल्कुल अनपढ़ है। क्राइम ब्रांच ने जिस वक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया तब वे एक और ATM को निशाना बनाने वाले थे। यह गिरोह सिर्फ केनरा बैंक के ही डी बोल्ट कंपनी के ATM को ही निशाना बनाता था। ऐसे में पुलिस ने केनरा बैंक से कह दिया है कि चोरी और ठगी से बचना है तो इस कंपनी के सारे ATM बदल दो। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केनरा बैंक के देश भर में 9000 से ज्यादा ATM हैं। सूरत के ननपुरा इलाके में आरोपी हनीफ सैयद और औसफ हनीफ मोहब्बत सैयद की गिरफ्तारी हुई। दोनों यहाँ सरौली स्थित हारून लकड़ी वाले के गोदाम में किराए पर रहते थे। हनीफ 6वीं तो औसफ 3री तक पढ़ा है। 3 फरार आरोपी साजिद खान, जाहिर खान और इरफान खान सगे भाई हैं। मास्टरमाइंड साजिद समेत तीनों भाई बिल्कुल अनपढ़ हैं। IIT मद्रास में 100 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, इंस्टीट्यूट को किया गया बंद। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में 100 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से अधिकतर छात्र हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने बताया कि कुल 104 छात्र और अन्य संक्रमित पाए गए हैं और सभी अस्पताल में भर्ती हैं एवं उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने बताया कि 444 नमूनों की अभी तक जांच की गई, जिनमें से 104 संक्रमित पाए गए। 1 से 12 दिसंबर के बीच संस्थान में संक्रमित पाए जाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। राधाकृष्णन ने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी के निर्देशानुसार इन सभी का किंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड रिसर्च में इलाज चल रहा है और उन सभी की हालात स्थिर है। संस्थान के एक प्रवक्ता ने बताया कि सभी विभाग और प्रयोगशाला बंद कर दी गई हैं और अभी केवल 700 छात्र हैं, जिनमें अधिकतर शोधार्थी हैं। CM योगी का ऐलान, शहीद के नाम से बनेगी सड़क, परिजनों को 50 लाख और मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
छत्तीसगढ़ में कर्तव्य पालन के दौरान मुजफ्फरपुर निवासी सीआरपीएफ के शहीद डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद विकास कुमार के नाम पर करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। प्रदेश सरकार द्वारा शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। कमलनाथ के बयान से कांग्रेस में मची खलबली। बोले, अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैंने काफी कुछ हासिल कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी हताशे में नजर आ रही है। प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बयान से तो ऐसा ही लगता है। कमलनाथ ने एक रैली में कहा कि अब वे आराम करना चाहते हैं, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में समर्थकों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैंने काफ़ी कुछ हासिल किया है। दरअसल प्रदेश की सत्ता गंवाने व उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में लगातार कमलनाथ के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। ऐसे में उनके इस बयान से कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। कमलनाथ सिर्फ पद छोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर राजनीति से विदाई लेने की बात कर रहे हैं, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ ने इन दिनों अपने बेटे के साथ छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं, जो कि उनका गढ़ माना जाता है। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 27,071 नए कोविड-19 के केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में 27,071 नए कोविड-19 के केस दर्ज हुए हैं। इस अवधि में 336 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 98,84,100 हो चुके हैं। वहीं अब तक देश में कोरोना से कुल 143,355 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कुल 30,695 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश में इस बीमारी से कुल 93,88,159 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना का रिकवरी रेट 94.98% चल रहा है, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा है।